वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि सूडो कोड क्या होता है। समटाइम्स बिगनर लेवल से हमने किसी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट होना होता है तो उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को फिर बिगनर लेवल पे सूडो कोड करवाए जाते हैं। अब ये सूडो कोड कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है या फिर इसके कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है। एक्चुअली सूडो कोड एक इंग्लिश लाइक वे टू स्टेट एन एल्गोरिदम है, ठीक है, कि आपने इंग्लिश के स्टाइल में एक एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना है। सूडो कोड हैज नो इट्स फॉर्मल लैंग्वेज, कि सूडो कोड की अपनी कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है एंड देयर आर नो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सूडो कोड, और सूडो कोड के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड नहीं है। यू कैन डू इट इन योर ओन टर्म्स, और आप इसको अपनी टर्म्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली आम जुबान में अगर कहा जाए कि सूडो कोड है क्या, तो किसी भी एल्गोरिदम या प्रोग्राम को समझने के लिए आप अपनी जुबान के अंदर उसकी कुछ ना कुछ कोडिंग कर लेते हैं, ये कुछ इंग्लिश लाइक वे में उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि आपने जब वो कोड एक्चुअल लैंग्वेज पे करना है तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इन शॉर्ट वे, सूडो कोड इज अ वे टू अंडरस्टैंड द फ्लो और लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम इन योर ओन लैंग्वेज। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड डिटेल्ड डिजाइन टूल, ठीक है, कि ये टेक्स्ट बेस्ड डिटेल्ड डिज़ाइन टूल है, कि यहाँ पे आप अपने ही टेक्स्ट के अंदर एक टूल डिफाइन कर लेते हो ताकि आप अपने एल्गोरिदम को अच्छी तरह समझ सकें। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें सूडो कोड्स पे की अंडरस्टैंडिंग क्योंकि अलग हमें पता चल सके कि एक्चुअली सूडो कोड कैसे वर्क करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 हैं, देन ही शी इज पास, तो वो पास है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, फेल। अब ये अगर प्रॉब्लम दी जाए तो इसको अगर किसी भी लैंग्वेज एक्चुअल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस जावा या कोई भी लैंग्वेज है उस पर तो वो अपने प्री डिफाइंड रूल्स में ये सॉल्व होगी, लेकिन कुछ बिगनर्स को वहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती हैं। अब इसको अच्छी तरह इसकी लॉजिक को समझना कि एक्चुअली ये कैसे परफॉर्म होगी और इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम सूडो कोड डिज़ाइन करेंगे। अब देखते हैं कि सूडो कोड कैसे डिज़ाइन होता है। मैं क्या करूँगा कि जो भी इस वक्त मैं टर्म यूज़ करूँगा, मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए टर्म यूज़ करूँगा डिक्लेयर, और इनपुट करवाने के लिए मैं इनपुट यूज़ करूँगा, और आउटपुट करवाने के लिए मैं प्रिंट यूज करूँगा। ये मैंने टर्म्स खुद ही डिफाइन कर ली अपनी आसानी के लिए ताकि मुझे ये सूडो कोड बनाने में आसानी रहे। मैंने अब ये सोल्यूशन किया है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, तो इसमें पहले क्या था कि इफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मींस कि इसके अंदर एक मार्क्स का वेरिएबल होना जरूरी है, मीन कि हमने जब भी कोई किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं या इनपुट करवाना है तो उसको हमने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि डिक्लेयर अ वेरिएबल मार्क्स, ठीक है, मैंने एक मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब इसके बाद मैंने जस्ट किया है कि एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है एंटर योर मार्क्स, ठीक है, मैंने प्रिंट को यूज़ किया जो कि मैं इस वक्त आउटपुट के लिए टर्म डिफाइन की है, तो मैंने कहा कि एंटर योर मार्क्स, मीन कि अब यूज़र को पता होगा कि यहाँ पे मार्क्स की मार्क्स एंटर करने के लिए मैसेज डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स हमने इनपुट करवाने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के मुताबिक हमारे पास ये है कि उसने पूछा कि अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन ही शी इज पास अदरवाइज फेल, तो हमें यहाँ पे मार्क्स भी चाहिए, तो हम क्या करवाएंगे, इनपुट मार्क्स, ठीक है।
अब ये इनपुट प्रिंट और डिक्लेयर ये किसी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड नहीं है, मैंने खुद से बनाई है ये टर्म्स, ठीक है, जस्ट अपने प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। इनपुट मार्क्स, मैंने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करवा दिए। अब देखिए उसने कहा था कि इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लग रही है, मार्क्स के ऊपर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन के अप्लाई होने के बाद ही हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो उस कंडीशन को मैंने अप्लाई किया है, मैंने जस्ट लिखा अपनी लैंग्वेज में इफ, अगर तो वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं, अगर तो वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं तो क्या करे, देन फिर क्या करे, प्रिंट करवा दे पॉज, ठीक है, तो वो उसे पॉज प्रिंट करवा दे। अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 नहीं है तो क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे फेल, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इफ वाली जो कंडीशन थी, मीन के जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट लगी हुई थी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो चुकी है। तो हमने क्या लिख दिया, एंड इफ, ठीक है, मैंने एक वर्ड टर्म डिफाइन कर दी कि यहाँ पे मैं एंड इफ लिखूंगा, जहाँ कहीं भी एंड इफ लिखूंगा वहाँ पे जाके इफ की कंडीशन खत्म हो जाएगी, मीन यहाँ से शुरू हुई थी इफ की कंडीशन और यहाँ पे एंड हो गई। तो ये सूडो कोड में मैंने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैंने दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, डिक्लेयर अ वेरिएबल मार्क्स, मैंने एक मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, फिर मैंने क्या मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, एंटर योर मार्क्स, फिर मैंने यूजर से मार्क्स इनपुट करवाए, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं देन प्रिंट पास, कि वो पास का मैसेज डिस्प्ले करवा दे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन मीन कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा और क्या कर देगा, प्रिंट फेल्ड। अब इससे आगे हमारी कंडीशन खत्म हो गई है, तो हमने क्या लिख दिया, एंड इफ, तो यहाँ पे हमारे इफ का ब्लॉक एंड हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम मैंने स्टूडियो कोड में डिजाइन कर ली। सेम प्रॉब्लम को मैं आपको विजुअल पे रन करके दिखाता हूँ कि हमने तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश लाइक वे में अपनी प्रॉब्लम को समझा, अब इसी प्रॉब्लम को हम अपनी एक लैंग्वेज पे रन करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, जहाँ पे हमने डिक्लेयर मार्क्स कहा था, और ये डिक्लेयर आ वेरिएबल मार्क्स, तो मैंने वैसे सेम काम किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल जो कि मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर योर मार्क्स, तो यहाँ पे भी मैंने वही मैसेज डिक्लेयर करवाया एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यूजर से लिए थे उसके मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, इनपुट मार्क्स, तो वैसे मैंने यहाँ पे किया कंसोल इन मार्क्स, यूजर से इनपुट किए मैंने मार्क्स, और उसके बाद मैंने फिर कंडीशन अप्लाई की है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 तो प्रिंट पास कर दे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 तो यहाँ पे सी आउट करवा दे पास, एल्स क्या करवा दे फेल, ठीक है। क्योंकि मैं एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे ये भी बताना जरूरी था कि मेरी इसकी कंडीशन कहाँ पे जाके खत्म हो रही, तो उसके लिए मैंने एंड इफ यूज किया। लेकिन C++ के अंदर ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ जरूरत नहीं, तो इसके लिए जहाँ पे इफ लिखा है वहाँ पे इफ की ब्लॉक हम बना देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और एल्स का भी हम वैसे ही कर्ली ब्रेसेस बनाकर ब्लॉक बना देते हैं, मीन कि इसकी बॉडी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अब मैं जस्ट इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, मैं करता हूँ 90 पॉज, ठीक है, और मैं अगर करता हूँ 1-2 फेल, ठीक है। तो ये हमने अब सूडो कोड, एक प्रॉब्लम थी जो उसको हमने पहले सूडो कोड में किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग की लॉजिक बनाई, और उस लॉजिक को हमने फिर दोबारा कंपाइलर पे इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, इनपुट 4 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, ठीक है, कि यूजर से 4 नंबर इनपुट करवाने हैं और उनका सम डिस्प्ले करवाना है।
अब देखिए इसके अंदर फोर नंबर्स हैं तो डेफिनेटली हमें फोर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। अब उन फोर वेरिएबल्स के अगर तो मैसेज आपने डिस्प्ले करवाने तो फोर के मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर नहीं भी करवाने तो उनकी इनपुट तो करवानी पड़ेगी, या फिर आपको उसी टाइम पे जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं वहाँ पे आप उनको उनकी वैल्यू भी इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करवाना है जो कि सम है, और उसके अंदर आपने इन चारों का सम करना है, ठीक है। इन चारों का एडिशन जो होगा इसके अंदर ऐड होगा। अब इसको देखते हैं, इसका सूडो कोड। मैंने चार वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, डिक्लेयर वेरिएबल ए बी सी एंड डी, ठीक है। और इनके बाद मैंने इनका एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर वैल्यू, ठीक है। एंटर वैल्यूज का एक मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। आप यहाँ पे चार हर वैल्यू के लिए भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक करवाना एक करवा दें, ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है, जैसे आप बेहतर समझेंगे। फिर मुझे चारों में इनपुट करवानी थी तो मैंने इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी इनपुट डी, मीन चार इनपुट मैंने करवा दी। अब ये जितना मैं काम कर रहा हूँ ये दिखाना है कि मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर कर रहा हूँ, कोई प्री डिफाइंड लैंग्वेज नहीं है, जिस मैं लॉजिक बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिक्लेयर वेरिएबल सम किया, क्योंकि मुझे सम चाहिए किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद मैंने इन चारों इनपुट जो मैं ली थी इनका सम किया और किसके अंदर कर दिया, मैंने साइन कर दिया सम के अंदर, ठीक है। और इनके बाद मैंने इस सम को आउटपुट करवा दिया, ठीक है। तो ये मैंने सूडो कोड में डिजाइन किया, तो इसको आप कंपाइलर पे भी सेम कर सकते हैं। चार वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं और फिर उनको उनमें इनपुट करें, और उनका एक फिर वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं सम का, और उसके अंदर इन चारों को एडिशन करके आप डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। तो ये सुडो कोड हमने इस प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। राइट सुडो कोड टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए सूडो कोड डिजाइन करना है। अब इस सूडो कोड को इस ये प्रॉब्लम हमें आई किसी भी लैंग्वेज में, तो आपने तो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए करना है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें मैं कैसे लॉजिक बनाऊंगा, तो उसके लिए हम सूडो कोड फिर से डिजाइन कर लेते हैं। मुझे चाहिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो उसमें मुझे चाहिए एक तो पाई चाहिए, और उसके अलावा मुझे एक रेडियस चाहिए, ठीक है। पाई की वैल्यू भी मैं रन टाइम पे भी दे सकता हूँ, और मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकता हूँ 3.14। तो मोर फॉर्मली मुझे जस्ट एक वेरिएबल रेडियस की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मीन कि यूज़र ने रेडियस एंटर करना है, कितने रेडियस का सर्कल है, तो वही मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, डिक्लेयर अ वेरिएबल आर रेडियस, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें इनपुट करवाई। इनपुट करवाने के बाद मैंने कहा कि डिक्लेयर वेरिएबल एरिया, क्योंकि मैंने उस सारे एरिया को एक किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना है, तो मैंने एरिया एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दी। फिर मैंने इसको फॉर्मूले का सॉल्व किया, 2×r×3.14, और वो मैंने किस में स्टोर कर दिया, एरिया में, ठीक है। और उस एरिया को मैंने क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मैं आपको डेव पे रन विजुअल पे रन करवा के दिखा देता हूँ। अब ये मैंने एक कोड किया है, उसी सूडो कोड को मैंने C++ के अंदर कोड किया है। जैसे हमने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था रेडियस के नाम से, डिक्लेयर वेरिएबल रेडियस, तो वैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर रेडियस, और उसके बाद मैंने यूजर से ले ली इनपुट, जैसे इनपुट रेडियस। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया एरिया, डिक्लेयर अ वेरिएबल एरिया, और फिर उस वेरिएबल के अंदर मैंने वो कैलकुलेशन करके रिजल्ट स्टोर करवा दिया, एंड फाइनली मैंने उसे आउटपुट करवा दिया, ठीक है। मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको, 2.54, तो ये उसका एरिया कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, जो कि एक नंबर इनपुट करे, एंड प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द
entered number up to 10 कि उस नंबर के लिए 10 तक उसका टेबल प्रिंट कर दे। अब ये देखें, गौर करने वाली बात ये है कि हमें जस्ट एक चाहिए नंबर जो कि हमने यूजर से इनपुट करवाना है, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा और फिर हमें 10 तक टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें कोई भी आइट्रेशन चाहिए। आइट्रेशन मीन कि 10 तक हमें जो ना वो आइट्रेशन करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई हमें फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है कि वाइल लूप यूज होते हैं तो उसको हम यूज करेंगे। अब मैंने उस टेबल के लिए जो ना मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि किस नंबर का जो टेबल मैंने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया एन। फाइन, उसके बाद मैंने किया इनपुट करवाए मैंने नंबर वो जिसका मैंने टेबल प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि मैंने 10 तक जो ना वो टेबल प्रिंट करवाना है तो मीन कि मुझे 10 आइट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करवाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया आई जो कि इक्वल टू है 0 के, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वाइल जब तक के आई जब तक के आई जो है इज लेस देन 10 है, ठीक है, जब तक कि वो आई जो है 0 जो है लेस देन 10 मीन कि जब 0 से 10 तक जाएंगे लेस देन 9 ही बनता है, तो 0 से 9 तक काउंट करें तो हमारी 10 आइट्रेशन बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारी 10 आइट्रेशन बनती है 0 को अगर इंक्लूड करें। तो कह रहा है कि जब तक कि 0 लेस देन 10 है डू मीन कि वो काम करो, क्या करो कि प्रिंट करो आई, ठीक है। अब यहाँ पे आई फिलहाल आई की वैल्यू क्या होगी 0, इसके बाद वो स्ट्रिंग के अंदर एक्स मैंने डिस्प्ले करवाया मीन क्रॉस, ठीक है। तो ये एक पूरा मैसेज जो ना डिस्प्ले होगा यहाँ पे 1 1 होगा और यहाँ पे होगा वो जो मैंने स्ट्रिंग में मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एक्स, उसके बाद वो नंबर आएगा जिसका टेबल में प्रिंट करवाया, फॉर एग्जाम्पल 2 करवा रहा हूँ तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये मैंने फिर स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू डिस्प्ले कराया था, इक्वल टू डिस्प्ले होगा और इसके बाद आई क्रॉस 10 होगा मीन के जितनी बार आई जो ना वो जो जो आई होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसका रिजल्ट हमें इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर मिलता जाएगा। आप यहाँ पे i इक्वल टू 1 कर लें क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेस देन इक्वल टू 10 मीन के 1 से लेकर हमने 10 तक टेबल प्रिंट कराना तो ये 10 तक चलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 10 तक ये पहली इंस्ट्रक्शन चली, इसमें क्या हुआ i की वैल्यू 1 थी, फिर x क्रॉस आया, फिर n क्या हुआ था 2 इक्वल टू 1 क्रॉस 2 2, ठीक है। तो 1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि i की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे मीन के आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि हमने इनको इंक्रीमेंट करना ताकि ये 10 तक लूप चले और एंड वाली जब ये 10 यहाँ पे 11 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दफा हमने चलाना है और उसके बाद हमने इस लूप को एंड करना है जिस तरह हमने इफ में किया था कि एंड इफ कर दिया था, इसी तरह हम एंड वायर कर देंगे मीन के ये लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं कंपाइलर पे आपको करके दिखाता हूँ कि कंपाइलर पे ये कैसे जो ना वो अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, कैसे इसको रन करते हैं। तो ये मैंने उसका कोड किया हुआ है टेबल को प्रिंट करवाने का। जैसे हमने उधर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था टेबल के लिए, टेबल नंबर के लिए, तो उसके लिए मैंने एन डिक्लेयर करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया कि एंटर आ नंबर और वो क्या करेगा इनपुट करेगा एक नंबर। फिर मैंने 10 तक लूप चलाने के लिए मैंने क्या किया कि 1 एक मैंने आई निचला जो आया उसमें वैल्यू रख दी मैंने 1 और मैंने उसको कहाँ तक चलाया 10 तक मीन के जब 1 2 3 सो ऑन 10 तक टोटल आइट्रेशन बनती है 10 तो ये 10 टाइम्स रन होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि सी आउट किया आई। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी, पहली जो एग्जीक्यूशन में पहली आइट्रेशन में
कुछ ऐसे एग्जीक्यूट होगी, पहले आएगा वन, आई की जगह वन, फिर ये स्टेटमेंट रन होगी, ये एक्सप्रेशन होगी तो यहाँ पे आएगा एक्स, फिर ये रन होगी तो यहाँ पे एन की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, जो भी मैंने नंबर इनपुट किया लेट सपोज टू किया, फिर उसके बाद ये स्ट्रिंग आउटपुट होगी जिसमें क्या आएगा इक्वल टू, और फिर आएगा आई क्रॉस टू, तो आई की वैल्यू वन है तो एन की वैल्यू है टू, तो ये क्या बन जाएगा टू, तो वन क्रॉस टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। इसी तरह आई की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, फिर जब ये जाएगा टू इज लेस देन इक्वल टू टेन तो कंडीशन अभी तक टू है, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ये स्टेटमेंट किसके लिए रन होगी, आई की वैल्यू टू है तो टू क्रॉस ये टू वैसे रहेगा इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थ्री फोर फाइव अनटिल जब ये अलेवन हो जाएगा, तो अलेवन होने के बाद ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करवा के आपको दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ एनपुट नंबर टू, ये मैंने टू किया तो ये टू का टेबल प्रिंट होगा, ठीक। तो फाइनली ये था हमारा सूडो कोड पे एक लेक्चर, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी, और सूडो कोड के मतलब मैं मज़ीद फिर एक बात दोहरा देता हूँ कि सूडो कोड कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट इनफॉर्मल वे टू डिस्क्राइब योर लॉजिक, ठीक है। तो आपने अपनी लॉजिक को बनाने के लिए जस्ट इसको यूज़ करना है, बाकी इसके कोई प्री डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके, खुदा हाफिज़।